अच्छा अगर मैं गिनती करूँ तो गजल ने कितने ड्रामे किए होंगे अपने करियर? यार मुझे खुद भी याद नहीं यार, मैंने बहुत कम काम काम किया, तभी तो कह रही हूँ गिनती करूँ तो, वरना आपको बताऊँ मैंने जितने भी प्लेस किए हूँ, जितने भी मैं कहीं भी जाऊँ ना दुनिया में, मारवी आ गई, सिर्फ याद मारवी है। ये क्या वजह? ये मुझे समझ नहीं आती बात। कभी कभार आपकी कोई एक पहचान बन जाती है, जैसे आपको एयरपोर्ट पे कोई देखता होगा तो मारवी आ गई। हाँ बिल्कुल ऐसे। हालांकि आपने इतने शो होस्ट किए और उसमें आप गजल सिद्दीक होती थी, हाँ। तो गजल से ज्यादा मारवी मारवी। एक्चुअली आपको टीवी पे भी देख के मॉर्निंग शो पे कहते थे मारवी का शो आ रहा है। इनफैक्ट मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी कहते मारवी मारवी का चैनल। अब क्या करें। तो क्या लगता है ये अच्छी चीज है कि कभी कभार वो अच्छी चीज है? निदा बहुत कम ऐसे ब्लेस्ड आर्टिस्ट होते हैं जो जिनमें मैं अपने आप को काउंट करती हूँ कि मुझे ऐसा रोल मिला, इतना स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट मिला, इतनी अच्छी डायरेक्शन मिली, और उस वक्त मिला जब वो पहला सैटेलाइट पर जाने वाली सीरियल थी। उस वक्त रोड खाली होती थी, रोड है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उसको फेम मिला। और अच्छी जब टीम मिलती है तो आपको आपको वो ग्रूम करती है। और वो कहते हैं ना कि सुल्ताना आपा की आप फेवरेट हैं, उनको आप बहुत अच्छी लगती थी, उन्होंने मारवी, उस वक्त आप नई थी ना जब आपको मारवी का कैरेक्टर ऑफर हुआ था? मैं नई थी, मैंने कुछ प्लेस उससे पहले किए थे, लेकिन सुल्ताना सिंधी प्लेस किए थे, प्लेस मैंने स्टार्ट सिंधी प्लेस से किया था। सुल्ताना पी की जो आपने कहा मैं फेवरेट हूँ, सुल्ताना पी की बहुत सारी फेवरेट्स हैं, हर किसी को लगता है कि मैं ही उसकी फेवरेट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं नहीं, लेकिन जैसे मैंने देखा है ना कि वो आपको इतने प्यार से देखती हैं, कहीं भी हम दावत वगैरह में मिलते हैं तो वो आपको एडमायर करती हैं बहुत। कभी कभार ऐसा होता है ना अपना पौधा लगाया हुआ, मतलब लाइक बेबीज होते हैं ना। यस यस, कितने सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस कराया, बहुत सारे लोगों को।